हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई एम वेलकम यू ऑल इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज सेशंस विल आल्सो हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन जी हाँ जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज बैंकिंग नॉलेज और ये जो बैंकिंग नॉलेज है ये आपके कहीं ना कहीं हर बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस बी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो जस्ट स्टे विद मी एंड जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको भी मजा आएगा आपकी भी नॉलेज एनहांस होगी तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट बट दोस्तों अगर आप नए हमारे चैनल पे तो स्टार्ट करने से पहले यू कैन डाउनलोड आर अडर ट्वेंटी फोर सेवन एप फ्रॉम इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा एंड थ्रू दिस यू कैन चेक आउट द फ्री मटेरियल इन टर्म्स ऑफ ऑफिस मैगजीन पार कैप्सूस एंड सो मच ऑल दिस विल हेल्प यू टू एनहांस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन मोर ओवर गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब जो आपकी वीडियो में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आर वीडियोस तो दोस्तों शुरू करें बट एक लास्ट लास्ट मेजर अनाउंसमेंट किया बी के लिए हमारी मंथ एंड सेल चल रही है तो यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 78% 78% कैसे मैं एंड ऑफ द सेशन बताता हूं 78% परसेंट डिस्काउंट अलॉन्ग विद डबल वैलिडिटी तो जी हाँ यू कैन यूज दिस मंथ एंड सेल बाय यूजिंग द कोड वाई कोड यूज इट एंड गेट द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से रेडी अगर एक बार इफ यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर जस्ट डू गिव गिवी थम्स अप इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द क्विज जल्दी से एक बार मेरे को थम्स अप दे दीजिए दोस्तों शुरू करते हैं चलिए ये ये last, जो अच्छा हमारा हमने last, uh, quiz conduct किया था, लास्ट क्लास में उसका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों ये भी current point of view से इंपॉर्टेंट है रिसेंटली कैबिनेट कमिटी अपॉइंटमेंट कमिटी अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश द वट इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो तो आप लोगों को पता होगा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो पीजे नाइक कमेटी दो हज़ार चौदह में बनी थी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने बनाया था बैंक बोर्ड ब्यूरो जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मेजर पोजिशन होती है टॉप मैनेजमेंट की उनपे जो अपॉइंटमेंट होते हैं दे आर बींग रिकमेंडेड बाई दिस बोर्ड बट नाउ अभी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है अब यह बैंक बोर्ड ब्यूरो को वी विल रिप्लेस बाई फिनेशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो।, तो जो बैंक ब्यूरो के अभी के लिए जो चेयरमैन थे गुड इवनिंग जेटालाल तो ये हमारे लास्ट होमवर्क क्वेश्चन का था जो लास्ट क्लास में होमवर्क था आज भी आपको होमवर्क दिया जाएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिए ठीक है तो इज योर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टूडेज

प्रीवियस ईयर तो ये डाटा जरूर नोट करें बाकी अब हम स्कीम के बारे में बात करते हैं अंडर द स्कीम ऑल द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमेट अप टू व्हाट अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर जल्दी से इसका आंसर दीजिए इन द चैट सेक्शन तो देखो इसका आंसर है आपका 2.5 पॉइंट फाइव लेख यू फाइनेंशियल ईयर आप इतने अमाउंट तक देखो क्या होता है छोटा सा एक आइडिया देता हूं आप अगर सपोज कोई पैसा बाहर भेज रहे हैं मतलब आप सपोज यूएसए में कोई पैसा भेज रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी भी पर्पज से तो वो जो पैसा आप बाहर भेज रहे हैं आप मतलब आप यूएस की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं बिकॉज यूएस डॉलर में ही वहां पे पेमेंट होगा यहां से आपने रुपी में किया रुपी से आप फिर यूएस डॉलर खरीदेंगे वो तभी तो आप वहां पे पेमेंट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं यूएस की जो आपकी डिमांड है करेंसी की वो आप बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो यूएसए वो स्ट्रांग बनेगा इसी तरह एक फिक्स टॉपिक नहीं है ये हम इन जनरल कवर अप कर रहे हैं टोटल टोटल जो बैंकिंग नॉलेज है उससे रिलेटेड तो अगर हम बात करें जो आपका यूएस स्ट्रांग होगा और जो रुपी वीक पड़ेगा बिकॉज उसकी डिमांड कम है तो डिमांड कम होने की वजह से जो आपने देखा है डेप्रिसिएशन आता है तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो बाहर जो हम पैसा भेजते हैं उसको कंट्रोल करना चाहता है बट आरबीआई क्या किया 2004 के बाद विद रेमिटेंस स्कीम उसने कहा कि इतने अमाउंट तक इतने अमाउंट तक आप बाहर इजिली भेज सकते हैं ठीक है सो दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन है ठीक है अभी रीसेंट डाटा आया है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है लास्ट ईयर के एसबीआई सीबीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी तो ये किसी और बैंक एग्जाम अगर आप एस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी पूछा जा सकता है ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट है।, है और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पूछी जा सकती है तो ये वो अमाउंट है जो आप फ्रीली विदाउट दी अप्रूवल ऑफ आरबीआई आपको इस, इत, इतने अमाउंट तक की ढाई लाख यूएसडी डॉलर तक के अमाउंट की एक फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी आरबीआई के अप्रूवल की एंड दिस इज एज पर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आई थिंक आपको मजा आया हो तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सिंपल सा क्वेश्चन बैंकिंग का बैंकिंग अवेयरनेस आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ए नोट एज पर द सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट बहुत सिंपल कम ऑन इज ए टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड वन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड क्या होगा आंसर देखो अगर इसका आंसर हम बात करें सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो किसी भी नोट का आरबीआई कोई भी नोट जो डिनोमिनेट जो भी आ, प्रिंट कर सकता है वो होता है आपका टेन थाउजेंड ये वो डिनोमिनेशन है दस हजार का ऊपर दस हजार के ऊपर के डिनोमिनेशन के नोट्स आरबीआई प्रिंट नहीं करता क्योंकि वो लीगली अलाउड नहीं है एस पर दी आरबीआई एक्ट इसी इसीता सीबीओ एक सर्किल बेस्ड ऑफिसर जो कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा बता देता हूं आपको एसबीआई सीबीओ के बारे में आप किसी अगर प्राइवेट एंटिटी में काम कर रहे हैं इन एज एट ऑफिसर लेवल ठीक है तो

मोर ओवर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सर ये जो डिनोमिनेशन होते हैं सौ का नोट दो सौ का नोट पांच सौ का नोट ये ये डिसाइड कौन करता है तो देखो ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ये आरबीआई डिसाइड नहीं करता आरबीआई प्रिंट करता है बट ये जो डिनोमिनेशन किस किस में करने है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है और मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो हो सकता है हो सकता है दस हजार का ठीक है चलो नेक्स्ट तो आंसर वाज ए क्वेश्चन नंबर थ्री चिट फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड चिट फंड मम्मी की किटी पार्टी तो सुनी होगी ना वो भी एक तरह का फंड है <laughs> तो वो जो फंड है देखो मम्मी की क्या हो गई वो एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म हो गया बट कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो फॉर्मली एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सॉरी फाइनेंसिंग का चलाती हैं एंड दे नीड टू गेट रजिस्टर्ड तो वो जो रजिस्टर्ड एंटिटी है वो रेगुलेट किससे होती है जो चिट फंड एंटिटीज जो इन्वॉल्व होती है फंड में वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग डू लेट मी नो द आंसर आरबीआई सेबी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखो आंसर है इसका रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फंड जो होती के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज डेरिवेटिव मीन इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड ज इट एन इंस्ट्रूमेंट टू बी सेट हेज ऑलरेडी गॉट सेटल्ड टाइप ऑफ बैंक क्रेडिट क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ट्विस्ट किया गया है आपको थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो आप लोगों को भी मजा आएगा देखो पार्टिसिपेशन और कोई बात नहीं अगर नहीं एग्जैक्ट आंसर पता तो, तो भी आप कमेंट कीजिए क्योंकि उससे क्या होगा एक तो आपको ये दोबारा ये याद रहेगा ट्रस्ट मी जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे कहीं कही ना कहीं आपको वो चीज एक मेमोरी में बस जाती है तो प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करिए देन डेरिवेटिव की बात करें तो डेरीवेटिव आप लोगों ने शायद अगर आप लोगों फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है तो वहां पर आप ये टर्म आते हैं डेरीवेटिव डेरिवेटिव मीन इट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट्स बट यहां पे हमने ये जो डाला हुआ है ये कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है बेसिकली डेरिवेटिव एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू उनके अंडरलाइंग एसेट्स पे डिसाइड होती है तो दे ड्राइव देअ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनकी वैल्यू दे ड्राइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी डेफिनेशन यहां पर बेसिकली हम क्या है जैसे अगर कोई किसान का एग्जाम्पल नहीं सपोज किसान ने कोई फसल उगाई उसे ये टेंशन है यार मेरी फसल डूब जाएगी तो क्या होगा तो वो क्या करेगा सपोज उसने, उसने पतंजलि गेहूं लिया कि जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी मैं आपको ये गेहूं दे दूंगा आप मुझको पेमेंट दे देना सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये होता है हमारा डेरिवेटिव और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है जो उसमें हमने किसान जो गेहूं की बात की उस गेहूं की जो, जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो डेरिवेटिव क्या हुआ एन इंस्ट्रूमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट तो जब वो किसान उस चीज को सेटल करेगा जब वो गेहूं पहुंचा देगा कंपनी उसको पेमेंट कर देगी वो सेटल हो जाएगा सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस इज द सेम मीनिंग एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड फाइव चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फॉलोइंग मार्केट आर ओपन टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर हू बाई सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम दंपनी टर्शरी मार्केट प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट मनी मार्केट नन ऑफ द अब देखो क्या होता है कि जब आप मार्केट्स की बात करें तो दो तरह के मेजर मार्केट्स होते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जब आप कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज है आपने सुना होगा एन बीएससी पे तो जब वो पहली बार लिस्ट होती है तो वहां पे क्या होता है वहां पे जब आपका ये पैसा जो है कंपनी ने शेयर इशू किए एक आदमी को देखो तो कितना प्यारा सा आदमी है इसको शेयर इशू किए इसने शेयर ले लिए इसने इसको फंड दे दिया तो जहां पे ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर होता है दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी मार्केट अब ये ये क्या किया इस आदमी को यार लगता है शेयर्स में मजा नहीं है तो वो क्या करेगा वो सेकेंडरी मार्केट अब सेकेंडरी मार्केट का ये मतलब नहीं स्टॉक एक्सचेंज बदल जाएगा अब वो क्या करेगा यहां को बाई करना चाहता होगा तो वो यहाँ इस सेकेंडरी मार्केट में इससे बाई कर लेगा ठीक है तो अब यहां पे क्या हुआ सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ जो ओनरशिप है शेयर की वो चेंज हुई इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी दैट इज बिंग टेक इन प्लेस मनी जो था वो ऑलरेडी कंपनी प्राइमरी प्राइमरी सॉरी हाँ प्राइमरी मार्केट में ले चुकी है तो जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ये होता है प्राइमरी मार्केट ओपन टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर हु बाय सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द इशूंग कंपनी जब कंपनी से आप डायरेक्टली बाय करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी मार्केट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स परफॉर्म्स द सुपरविजन ओवर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आरबीआई सेबार्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंसर होगा देखो मल्टीपल हायर की रहती है कोऑपरेटिव में अगर एक एक टाइम सुनी होगी आपने अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देन देयर इज अदर जो रूरल क्रेडिट के टाउन्स में हम बात करते हैं तो देयर इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज तो जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स हैं, दीज आर बीइंग रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई बट ये जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्टीज बैंक्स हैं, दीज़ आर बाय आरबीआई, बट दीज आर सुपरवाइज्ड बाय न्ड तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गुड आंसर सोनाली आई होप क्वेश्चन में मजा आ रहा हो मजा आ रहा है तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लैंग्वेज में थोड़ा ट्वेस्ट है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत ही ज्यादा सिंपल बैलेंस इन अ करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट हाइब्रिड फिक्स अकाउंट तो देखो इसकी अगर हम देखें इसका आंसर करंट अकाउंट क्या होता है करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट आप कभी भी जाके आप जब चाहे तब जाके अपना पैसा निकाल सकते हैं देखा है ना सेविंग अकाउंट और बस करंट 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 अकाउंट अकाउंट में 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 क्या क्या होता है इज स्मॉल डिफरेंस दोनों के बीच में करेंट और सेविंग में। करेंट में एक आपको कहते हैं uh, कितने भी ट्रांजेक्शन आप एक दिन में कैरी आउट कर सकते हैं और उस उसपे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता वहीं सेविंग अकाउंट में आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो कैरी आउट कर सकते हैं इन मंथ वो थोड़े से फिक्स होते हैं और उसमें आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिल जाता है तो बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ डिमांड डिपोजिट अब डिमांड डिपोजिट क्या जब कस्टमर ने डिमांड किया तब वो पैसा अवेलेबल हो गया सो दैट डिमांड डिपॉजिट। एक और टर्मोलॉजी होती है मैं आप लोगों शेयर करता हूं, है, या भी बोल देते हैं कुछ लोग तो टर्म डिपॉजिट जो है फिक्स डिपोजिट एफ डी जिसको बोला जाता है और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी इन द कमिंग डेज भी हम क्वेश्चन करेंगे तो डोंट डोंट वरी बाकी अभी के लिए शॉर्ट के लिए बता देता हूं फिक्स डिपॉजिट आपने एक लमसम अमाउंट एक टेन ईयर के लिए फिक्स कर दिया उस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लमसम अमाउंट का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो कंटिन्यूसली वो अमाउंट आपको पे करते रहना होता है तो इसका अगर हम बात करें बैलेंस इन करंट अकाउंट सो दिस इज ए टाइप ऑफ ए डिमांड डिपोजिट ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ब्लैंक इंडिकेट्स डेडिकेटेड क्राइटेरिया फॉर द सुपरविजन ऑफ फॉरन बैंक बाई आरबीआई. हाउ आरबीआई इज कैरिंग आउट द सुपरविजन ऑफ फॉरन बैंक तो फॉरन के केसेस में हमें हमें सिर्फ एक ही चीज पता होती है जो हम बोलते हैं कैमिल्स वॉट इज दिस कैमिल्स कैमिल्स क्या है तो देखो दिस इज आर रेटिंग सिस्टम रेटिंग यहां पे क्या है आप बैंक्स को रेट करते हो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर जैसे सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी एम फॉर मैनेजमेंट ई फॉर अर्निंग एल फॉर लिक्विडिटी ठीक है तो इन इन डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप बैंक्स को रेटिंग करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप जो बेसिकली यहां पे रेटिंग क्या करना है रेटिंग इज ऐसे मैकेनिज्म कि आप कैसे उनको सुपरवाइज कर लो तो जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके लिए आप कैमल्स फ्रेमवर्क यूज करते हो या के मिल्स रेटिंग मेथड यूज करते हो और जो फॉरेन बैंक है उनके केसेस में आप कैल्सिस ठीक है सी ए फॉर कैपिटल एडिक्यूसी एल फॉर आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट ठीक है तो ये कैल्सिस मैकेनिज्म जो है और कैल्सिस रेटिंग एजेंसी सॉरी रेटिंग सिस्टम जो है इसके बेसिस पे आप सुपरविजन कैरी आउट करते हो ऑफ फॉरेन बैंक्स तो आंसर इज ऑप्शन नंबर एक बाकी मैं आपके लिए एक सेपरेट क्लास जरूर लेके आऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग में तो वहां पे पूछा जा सकता है इवन इंटरव्यू में भी कि व्हाट डू यू मीन बाय कैमल्स तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया आऊंगा वैसे ही मैंने रेगुलेटरी बॉडीज में अपना आ, जो चैनल है उस पर का, काफी कुछ कंसेप्ट फाइनेंस के ऑलरेडी कवर किए हुए हैं तो अगर आप चाहें तो वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं एवरी नाइन फिफ्टीन ए पे अपनी क्लास होती है तो वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अकाउंट दैट ए बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक नो स्त्रो वो स्त्रो लो रो अकाउंट क्या होगा आंसर तो देखो तो तो इसका आंसर दोस्तों बहुत सिंपल है इसका है वो स्त्रो आर अकाउंट विद देम, वो स्त्रो आवर अकाउंट विद देम अगर हम कोई सपोज एस बी आई है एसबीआई Uh, अभी आपने देखा होगा आर सॉरी रशिया के कुछ बैंक्स ने इंडियन बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन किया है तो उन बैंक्स ने इंडिया में जो अकाउंट खोला है दैट इज टर्म्ड एज नोस्त्रो देयर अकाउंट विद अस एंड वो क्या है आर अकाउंट तो सपोज जो इंडियन बैंक ने वहां पे ट्रांजेक्शन के लिए जो बैंक में अकाउंट खोला है रशिया के किसी बैंक में फॉरिन करेंसी में तो उसको बोला जाता है वो आई होप दिस इज क्लियर सो नाउ लास्ट क्वेश्चन विलेशन टू नी पेमेंट तो बेसिकली हम एस एफ एम एस की आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या होता है ये, ये जो फुल फॉर्म्स है ना ये आपके किसी भी बैंक एग्जाम में कहीं पे भी पूछी जा सकती है दोस्तों ये अपने को अपडेटेड रहना होता है इनके रिगार्डिंग किसी को कोई आइडिया कोई Anyone want to participate in this? तो देखो आपका जो निफ्ट पेमेंट होता है वो क्या बैचेस में होता है मतलब आपका हर आधे घंटे में पेमेंट आपके जो उस आप अगर देखो आपने सपोज अभी कोई ट्रांजेक्शन कैरी आउट किया है तो जो हमारा रियल टाइम जो मैकेनिज्म होता है वो यहां पर नहीं होता आपका एक बैच बैच के अकॉर्डिंग मतलब एक पूरे पूरे जो एक पूरी ड्यूरेशन में जो ट्रांजेक्शन वो वन टाइम सेटलमेंट होंगे तो जो सेटलमेंट एक बार में होगा वो उसके लिए देर इज एस एफ एम एस क्या होता है स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैकेनिज्म सोल्यूशन तो आपका जो पूरे का पूरा बैच है किस ऑर्डर में कैरी आउट करना है कैसे उसका प्रोसेसिंग होनी है वो सारी चीज जो होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एस एफ ms स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल mechanism solution तो आंसर इज सी नेफ्ट पेमेंट क्या होता है आपका बैचेस में मतलब जैसे सपोज एक रफ एग्जांपल दूं जैसे दस बच्चों का पेमेंट एक साथ सेटल किया आधे घंटे के बाद ठीक है वहीं अगर आप आईएमपीएस देखें तो वो तुरंत इधर इधर पेमेंट किया उधर सेटल हो गया ठीक है तो वो चीज होती है निफ्ट और आर में क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें हम धीरे 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 करके सारी चीजें कवर करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों आई थिंक आप आज के में आप लोगों को मजा आया है नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन टू वर्क एज एन अंडर राइटर इन इंडिया अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन तो पहली चीज अंडर राइटर कौन होता है अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए आती है तो वो जो लिस्टिंग होती है उसके लिए एटलीस्ट नाइन सब्सक्रिप्शन जरूरी है सब्सक्रिप्शन अगर मैं बताऊं जैसे सपोज एक कंपनी नब्बे शेयर शेयर के लिए मार्केट में डिमांड आनी चाहिए ठीक है का एटलीस्ट पेमेंट आना चाहिए तो सिंपल वर्ड्स में तो वो क्या होता है वो होती है कंडीशन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर आपका जो आईपीओ है या फिर जो भी आपकी ऑफ शेयर के लिए जो लिस्टिंग आप करने वाले हैं वो कैंसिल हो जाती है ठीक है आपको फिर वो पैसा लौटाना होता है अब क्या होता है कंपनियां इस चीज से इस क्लॉज को मेंटेन करने के लिए दे हायर सम एक्सटर्नल एजेंसी कि भैया अगर मेरे पास सत्तर शेयर आए और मुझको नाइनटी करने हैं, तो पच्चीस बीस कौन करेगा वो करेगा एक अंडर राइटर ठीक है तो ये होता है आपका अंडर राइटर अब ये कौन होता है ये दे नीड टू गेट रजिस्टर सेबी ठीक है तो वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया तो कोई बात नहीं आप स्टिल होमवर्क में इसका सॉरी uh, होमवर्क में कह रहा हूं होमवर्क क्वेश्चन का आंसर फिर भी आप स्टिल कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं ठीक तो है, है तो आई थिंक दोस्तों में मजा मजा आया आया तो तो डेडिकेटेड बैच जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी दैट इज नवंबर थ्री से ठीक है बाकी इसके अलावा टेस्ट सीरीज एंड बुक किट ऑल्सो फॉर एस बी आई सीबीओ अब आप अगर वीडियो कोर्सेज बाई करना चाहते हैं लाइव कोर्सेज तो उसके लिए नीड टू यूज द कोड वाई फाइव एट वन एंड टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स के लिए यू कैन यूज द कोड वाई फाइव एट वन एस टू अवेल ह्यूज डिस्काउंट्स. ठीक है मोर ओवर अगर आप रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव ऑफरिंग फॉर ऑल्सो एंड सभी डेडिकेटेड बेचेस चल रहे हैं और अभी के लिए डबल वेलिडिटी चल रही है एंड ऑफ सेल चल रही है तो यू कैन अवेल डिस्काउंट एज यूजिंग द कोड वाई लिंक में जाएंगे अलॉन्ग विदिस्काउंट ऑफ सेवेंटी एट परसेंट सेवेंटी एट परसेंट कैसे जो आपका एप है अगर आप उसके थ्रू बाई करेंगे तो आपको सेवेंटी एट परसेंट मिलता है अदरवाइज इट इज अराउंड सेवेंटी सेवन परसेंट यूज योर मनी वाइजली यूज योर अपॉर्चुनिटीज वाइजली सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप सेशन में आप लोगों को मजा आया मजा आया तो डू गिव मे थम्स अप डू शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर क्वेरी इज रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज और एस बी आई सीबीयू एग्जाम फॉर नाउ आई एम यूर मेटअवीर साइनिंग आउट